यूपी के बुलंदशहर की जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सजा याफ्ता कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मृतक कैदी के परिजन जेल में षड्यंत्र के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। जेल प्रशासन ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का खुलासा हो सकेगा। क्या नाम है भाई साहब? भूले सिंह। भूले सिंह जी, थोड़ा सा ये बताइए, ये जो है आज जेल में विचाराधीन बंदी की मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में, जी जी जी, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है जी, जेल में तो ये था ही कई साल से, और कोई परेशानी नहीं, कोई कैसी दिक्कत नहीं, ना कोई बीमार था ना कुछ भी। अब ये पता नहीं, अगर बीमार भी था तो हमें सूचना देनी चाहिए इन्हें कि भाई तुम्हारा मरीज बीमार है, और हम पे कोई सूचना नहीं है। अब ये कल खत्म हुआ है, कल से अभी तक हमारे यहाँ सुबह सूचना पहुंची है 6 बजे, पुलिस तो कहता हूँ पुलिस भी नहीं पहुंची, एक दूसरे द्वारा हमें खबर मिल गई है, तो हमारे पास कोई सूचना नहीं। हमें ये है कि ये खुद नहीं मरा है, बीमारी से नहीं मरा है, इसके पास कोई षड्यंत्र है।